जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग यामिनी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। यामिनी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी समय से बात नहीं हुई है, इसलिए आज इस वीडियो में यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है और जो नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, उनको उन्हें अब क्या रणनीति अपनाने की जरूरत है। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से ही करेंगे। यामिनी इन्वेस्टमेंट का सबसे पहले हम लोग काम समझेंगे, कंपनी काम क्या करती है। तो आपको पता है कि ये जो कंपनी है एक NBFC कंपनी है। आजकल लगता है 3 दिनों से NBFC कंपनीज के ऊपर ही वीडियो बन रही है। कल भी NCL रिसर्च और उसके पहले भी एक NBFC कंपनी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और आज यामिनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो बन रहा है। तो NBFC कंपनी का काम मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बैंक की तरह लोन वगैरह प्रोवाइड कराने का एक कंपनी काम करते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे जो कंपनी लोन्स वगैरह देती है। अब देखिए, लोन्स जब NBFC कंपनियाँ लोन्स देती हैं तो इसमें एक फायदा ये होता है कि बैंक की अपेक्षा इजिली NBFC में लोन मिल जाता है। जितने भी आप EMI पर मोबाइल वगैरह देखते हैं, EMI पर मोबाइल या बाइक मिल जाता है, वो ज़्यादातर NBFC कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि बैंक छोटे कामों के लिए तो लोन नहीं देते और सबसे बड़ी बात कि छोटे लोगों को लोन नहीं देते। तो इसलिए जो रिटेल निवेशक हैं या जो कहें कि जिनके पास थोड़ा कम पैसा है, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, वो ज़्यादातर NBFC कंपनीज को प्रीफर करते हैं। तो यदि फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव से समझें तो NBFC जो कंपनी है उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। इसलिए यदि सही समय पर यदि छोटी कंपनी को हम समझ कर उसमें पैसा लगाते हैं तो आने वाले समय में यह हमारे लिए काफ़ी बेहतर रिटर्न देने वाली कंपनी साबित हो सकती है। तो इन कंपनियों को नज़र बनाकर रखना जरूरी है। अब तो काम हम लोग समझते अब समझते हैं कंपनी का फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल में सबसे पहले मार्केट कैप समझते हैं। मार्केट कैप देखिए किसी कंपनी का कितना भी हो सकता है, मार्केट कैप से कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल डिसाइड नहीं होता। हाँ, लेकिन इससे ये अंदाजा लगता है कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। तो आपको पता लगे कंपनी एक पीनी स्टॉक है, मार्केट कैप के लिहाज से तकरीबन 37 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। शेयर प्राइस देखेंगे तो शेयर प्राइस 70 पैसा है, लेकिन कमाल की बात है कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है। पिछले के जो दो कंपनियां मैंने बताया था वो NBFC भले कंपनी थी, लेकिन उसका शेयर प्राइस उसके बुक वैल्यू से कम था, लेकिन यहाँ पर शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है। आप देख लीजिए, ये बुक वैल्यू है और ये शेयर प्राइस है। तो ये अच्छी बात है कि शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। कमाल की बात ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC ये जो है दोनों पॉजिटिव है, भले ही 1% से कम है, लेकिन पॉजिटिव। क्योंकि पेनी स्टॉक है तो ज़्यादातर पेनी स्टॉक को माइनस मोदी लिखने हैं और पॉजिटिव में ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि स्टॉक का PE देखेंगे तो अभी भी आपको महंगा दिखेगा, तो पेनी स्टॉक का PE महंगा होता ही है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कंपनी का चार्ट देखना होता है। चार्ट के हिसाब से जहाँ लेवल हमें सही मिलता है वहाँ पर हम कंपनी के शेयर को बाई करते हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पर समझते हैं कि चार्ट पर यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है। एक साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि फरवरी और या मार्च से ही देखें, ये तकरीबन मार्च का एरिया है, तो मार्च से ही ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। कंसोलिडेशन रेंज में यानी कि दो प्राइस के बीच में कंपनी का शेयर प्राइस घूम रहा है। हालांकि मार्च से पहले कंपनी के शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद प्राइस नीचे आ गया और क्योंकि उसके बाद से कुछ फंडामेंटल या कुछ तरीके की न्यूज निकल कर सामने नहीं आई, इसके बदौलत कंपनी का शेयर प्राइस फिर रॉकेट बनते हुए दिखा। लेकिन आपको पता है कि जब कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में फंसा होता है वो ब्रेकआउट होता ही होता है। मैं अपने एक वीडियो में कहता हूँ मैक्सिमम स्टॉक्स में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ही होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो इसलिए हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना है। इसमें जब आज नहीं तो कल ब्रेकआउट होगा ही हुआ। देखिए अभी पहले यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर वाले लाइन में कंसोलिडेट करने लगा है। अब जैसे इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, एक लंबा ब्रेकआउट कम से कम इस लेवल तक के लिए जो कि ये इसका लेवल है 1.20 रुपये के आसपास, यहाँ तक ये कंपनी का शेयर प्राइस इजिली आपको आते हुए दिखेगा। तो ये अब सवाल है कि इससे बाहर मतलब ये कंसोलिडेशन से बाहर कब निकलेगा, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के क्वार्टर के नंबर पर। क्वार्टर टू क्वार्टर के नंबर यदि कंपनी के अच्छे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस क्वार्टर में तो अगले क्वार्टर में ब्रेकआउट हो ही जाएगा। चलिए समझते हैं कंपनी के पिछले के जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं कैसे आए हैं। क्वार्टर रिजल्ट पर सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का सेल्स कितना हुआ है पिछले क्वार्टर में, यानी कि अभी जो सितंबर अभी सितंबर का रिजल्ट आए नहीं, जून क्वार्टर रिजल्ट। जून क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा इसका सेल्स कम हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि कंपनी के जो मेन बिजनेस है उससे जो कंपनी की कमाई हुई है वो कमाई आपको जून क्वार्टर रिजल्ट में बढ़ते हुए दिखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मायने रखता है, भले सेल्स कम हो लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर बढ़ना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखा है जून क्वार्टर रिजल्ट में। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए पहले ये माइनस में था, लेकिन जून क्वार्टर में बढ़कर 13 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने का नतीजा है। कंपनी का जो मेन बिजनेस उससे कंपनी की कमाई होनी चाहिए, कंपनी को पैसा आना चाहिए। मेन बात ये है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो कहीं ना कहीं वो अपने डेब्ट को चुकाने के लिए सक्षम रहेगी और जब कंपनी का डेब्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा उसके बाद कंपनी का शेयर आपको प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ एक तो काम के बिहाफ पे कंपनी NBFC कंपनी है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। फंडामेंटल भी कंपनी का लगभग ठीक ही है, तो इस तरह की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो ये कहेंगे ठीक बात है। आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक में भी करके जरूर रखें, भले ही आप अच्छे स्टॉक में निवेश करते हो
छोटे स्टॉक को भी साथ में रखना चाहिए, ये मेरा अपना राय है। मैं उम्मीद करता हूँ यामिनी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो मैंने बातें आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पहले धन्यवाद, शुक्रिया।